टुडे में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पटवारी भर्ती से जुड़ी एक और खबर आपको बताएंगे। आज हिमाचल पटवारियों ने ट्रेनिंग शुरू करने की मांग की है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। दोस्तों, नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि हिमाचल से जुड़ी हर खबर, हर नौकरी की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश पटवारी भर्ती की। तो ये जो खबर है, ये हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले से है। मंडी ज़िले में चयनित पटवारियों ने डीसी मंडी के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने ज्ञापन में ये मांग उठाई है कि उनको जल्द से जल्द ट्रेनिंग पे भेजा जाए और उन्हें जल्द दिया जाए प्रशिक्षण। दोस्तों, हाल ही में हिमाचल प्रदेश रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक नोटिस जारी करके बताया था कि डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है वो रोक दिया है। अब किन कारणों से रोका है और कब शुरू होगा, इसकी कोई भी जानकारी उस नोटिस में नहीं दी थी। तो हिमाचल के मंडी ज़िले के कुछ चयनित अभ्यर्थियों ने डीसी मंडी के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ये ज्ञापन भेजा है कि उनका प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाए। लेकिन आपको बता दें, अभी मामला हाईकोर्ट में है। हाईकोर्ट शिमला ने वो मामला सीबीआई को सौंपा है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट 8 अप्रैल 2020 को हाईकोर्ट शिमला में पेश करेगी। उसके बाद हाईकोर्ट शिमला अपना फैसला देगा हिमाचल प्रदेश पटवारी भर्ती को लेके। इस जो खबर है, इसमें बहुत से युवाओं ने ये भी कहा है कि उन्होंने प्राइवेट नौकरी जो करते थे वो छोड़ दी है और अब जो ट्रेनिंग है वो लटका दी गई है। और बहुत से लोगों का कहना है कि वो गरीब परिवार से भी संबंध रखते हैं। दोस्तों, हम भी यही चाहते हैं कि जो भी हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए नोटिफिकेशन निकलती है, एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाते हैं, वो ट्रांसपेरेंसी से हो, ना कि किसी प्रकार की गड़बड़ या अपने लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के चक्कर में जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो मेहनत कर रहे हैं उनको छोड़ दिया जाए। पटवारी भर्ती को लेकर जो भी फैसला आता है वो जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। 8 अप्रैल 2020 की हम अभी वेट कर रहे हैं। उसके बाद जो भी फैसला रहेगा या अपडेट रहेगी पटवारी भर्ती को लेके, आपको बता दी जाएगी। हम यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी नोटिफिकेशन निकले हिमाचल में, उसमें फेयर और ट्रांसपेरेंसी हो और जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको नौकरी मिले और जल्द से जल्द नौकरी मिले। क्योंकि हम देखते आए हैं बहुत सी जो भर्तियाँ हुई हैं वो कहीं ना कहीं किसी कारण से उसमें अटकलें लगी हैं और हाईकोर्ट में पहुँची हैं। तो ये बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बहुत से युवा हिमाचल में बेरोजगार हैं, जिनको भी नौकरी मिले वो जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।